तो आप सभी महानुभावों का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है पॉजिटिव पेरेंटिंग। और आज हम बात करेंगे एज एप्रोप्रिएट पेरेंटिंग। अब ऐसे डायलॉग जब मैं कभी बोलता हूँ ना, तो समझ लेना कि दिस इज फॉर द वीडियो वॉचर्स, है ना। देर आर सो मेनी पीपल, यहाँ तो 500 लोग है, बाद में वीडियो 1000 लोग देखते हैं। तो वीडियो देखने वालों के लिए मैं ये बातें करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये पैरामीटर के बारे में बताना चाहूंगा जो पिछले दिन रह गया था, आया ना, एमआई बेस्ड पेरेंटिंग रह गई थी मेरी, तो उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, मे बी 15-20 मिनट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। घड़ी की नोक पे जाना है आज, अगर कुछ बैलेंस रहता है तो कल ले लेंगे, नॉट एन इश्यू। ओके, गुड, शो ऑफ हैंड्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एमआई बेस्ड पेरेंटिंग क्या होती है? तो एमआई बेस्ड पेरेंटिंग समझने के लिए हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा एमआई क्या होता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ द वर्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस? कितने लोगों ने सुना है? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। सुना है ना? भावना मैम ने नहीं सुना? मैंने भी कहा था। ओके, मैंने भी कहा था, कई सारे लोगों ने कहा था, सुना होगा। एमआई यानी क्या? मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब ध्यान से सुनिए, ये जो थ्योरी है ये 1983 में हॉवर्ड गार्डनर नाम के एक व्यक्ति ने जग के सामने लाई। अब इसका मैं बेस भी बनाता हूँ। देयर वाज अ किस्सा, यू नो, यू अंडरस्टैंड अ वर्ड कॉल्ड किस्सा। एक किस्सा हुआ था 1940s में, जब हेनरी फोर्ड नाम के एक उस वक्त के विश्व के सबसे अमीर आदमी थे। 1940s में हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर के मालिक, उनका टेस्ट किया गया था, आईक्यू टेस्ट किया गया था, एंड ऐसा पता चला कि ही इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। इनफैक्ट ही वाज लाइक लेसर इंटेलिजेंस कैटेगरी में आ रहे थे वो। ओके, तो टेस्ट हो गई, रिजल्ट आउट आ गया। अभी मीडिया कैसे करता है, यू नो हाउ हाउ डू द मीडिया बिहेव्स, उनको तो कुछ हैपनिंग चीजें चाहिए। तो किसी ने छाप दिया कि हेनरी बहुत तेज नहीं है, इनफैक्ट हेनरी इज अ स्लो वन। तो हेनरी ने पेपर में न्यूज पढ़ी, यार मेरा ये क्या आ गया, मैं स्लो हूँ, आई एम नॉट दैट टैलेंटेड। फिर हेनरी ने खुद को सवाल पूछा, अगर मैं इतना स्लो हूँ, इतना क्या कहते हैं, ब्रिलियंट नहीं हूँ, तो मैं रिचेस्ट आदमी कैसे बन गया दुनिया का? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन हेनरी ने उसको फिर से रिक्वेस्ट की कि तुम आओ मेरा फिर से टेस्ट लो। ध्यान से सुना, आओ और मेरा फिर से टेस्ट लो। तो वो आए और इस बार भी वो पत्रकार सबको लेके आ गए और टेस्ट शुरू हो गई। अब हेनरी ने क्या किया, इस बार टेस्ट उसने खुद के ऑफिस में रखा। सो फार सो गुड, समझ में आ रहा है आपको? हेनरी फोर्ड ने खुद के ऑफिस में टेस्ट रखा और टेस्ट हो रहा था। अभी सामने वाला सवाल पूछ रहा है और हेनरी के बाजू में ग्राहम बेल की मेहरबानी से एक फोन था। तो मान लो झा मैम ने मुझे एक सवाल पूछा कि बताओ कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कब हुआ था, तो इसने फोन उठाया एंड सेक्रेटरी को पूछा, सेक्रेटरी कुतुब मीनार कब कंस्ट्रक्ट किया था, आंसर दे दिया। फिर किसी ने बोला अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, इसने पूछा, दे दिया आंसर। किसी ने बोला कि क्या कहते हैं पहली रेलवे कब चली, इसने बोला ओके यस, दे दिया आंसर। ही गॉट फुल मार्क्स। तो इसको लगा, ध्यान से सुनना, हेनरी को क्या लगा कि यार अब मेरे तो फुल मार्क आ गए, लोग मेरे कल मेरे बारे में एक अच्छी बात छपेगी पेपर में। ध्यान से सुनना, है ना, ऐसे होगा ना, अभी फुल मार्क आ गए तो अच्छी बात छपेगी। उसने एक्साइटमेंट में अगले दिन सुबह का पेपर पढ़ा, वहां पे टाइटल था हेनरी इज अ चीटर। क्या टाइटल था? हेनरी इज अ चीटर। अब हेनरी इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, जैसे मान लो मुकेश अंबानी जी है, बिरला साहब है, टाटा साहब है, तो ये रिचेस्ट लोग है ना। तो हेनरी को एक यूनिवर्सिटी के जिसे कहते दीक्षा दान होता है ना, जब डिग्री दी जाती है, वहां बुलाया गया। तो हेनरी वहां आए तो बच्चे खुसफुस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? खुसफुस कर रहे थे। क्या खुसफुस चल रही थी बच्चों की? एनी गेसेस? क्या बोल रहे थे बच्चे हेनरी के बारे में? टाइप करें, लेट मी सी, आप में से कितने लोग सुन रहे हैं, लेट मी सी। ओके, थैंक यू, एप्रिशिएट। क्या एनर्जी है, वंडरफुल। तो बच्चे ये बोल रहे थे और हेनरी को तो भाषण देना था। हेनरी गया स्टेज पे, उन्होंने बोला, बच्चों को अभिवादन किया, उनको बोला कांग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू जॉब मार्केट एंड ऑल, बाकी चीजें होंगी आपके सुनहरे भविष्य के लिए, शुभकामनाएं। और फिर उसने कहा, मैं सक्सेस का एक मंत्र बताना चाहता हूँ, क्या आप सुनना चाहोगे? तो बच्चों ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, जब आप बच्चे लोग ना एग्जाम लिखते हो और किसी की हेल्प लेते हो तो इट इज कॉल्ड एज चीटिंग। आप बच्चे लोग जब एग्जाम में किसी की हेल्प लेते हो और सवाल का जवाब ढूंढते हो तो इट इज कॉल्ड एज चीटिंग। बट जब यहाँ से बाहर जाओगे रियल लाइफ में,
और आपको प्रॉब्लम आएगा, आप किसी की हेल्प लेते हो, तो इट इज कॉल्ड एज कोलैबोरेशन, इट इज कॉल्ड एज कोलैबोरेशन। और सफल लोग वही है जो कोलैबोरेट करना जानते हैं, है ना। तो सबकी आंखें ऐसी होगी, एंड फिर किसी ने हेनरी के साथ पंगा नहीं लिया, द ग्रेट हेनरी फोर्ड के साथ पंगा नहीं लिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बट बात यहां खत्म नहीं होती दोस्तों, फिर ये लोग परेशान हो गए, हेनरी अगर इतना बुद्धू है, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, बट यानी लेस इंटेलिजेंट है, तो इतना सक्सेसफुल बना कैसे। एंड फिर उस वक्त के बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च शुरू किया, पर वहां बात नहीं बनी। आगे चल के वो साइकोलॉजिस्ट गए, नेक्स्ट पीढ़ी के आए, और फिर 1983 में डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर ने एक थ्योरी सामने लेके आई। He studied all the people, successful people in the world, and he came up with a theory called as multiple intelligence theory. शुरुआत में उन्होंने 8 इंटेलिजेंस लाए, अभी नवा इंटेलिजेंस लाया है 2007 में, जिस पे डिबेट चल रही है। इसे कहते हैं MI, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस। और उन्होंने क्या कहा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि इंसान है ना, ये 8 चीजों की वजह से इंसान जीनियस बन सकता है। किसी भी इंसान में, ध्यान से सुनना, किसी भी इंसान में अगर ये 8 में से एक भी टैलेंट है तो इनफ है, वो इंसान सक्सेसफुल बन सकता है। एम आई वेरी क्लियर इन व्हाट आई एम सेइंग? तो ये 8 गुण है। ओके, तो किसी ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया क्या? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। निकाल लिया तो आप प्लीज शेयर कर देना प्लीज, थैंक यू। यस, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो पॉइंट क्या है, ताकि लोगों का समय बचे, अपना भी समय बचे। आज हमारे पास आधे घंटे का कम समय है, बट ये हम आगे भी ले सकते, सेशन आगे बढ़ सकते, कोई इशू नहीं। तो क्या हुआ, थैंक यू पूजा मैम, दीपाली मैम, और कौन है, इधर भी हाथ दिखाया था मुझे किसी ने, यस। तो कई सारे लोगों का थैंक यू जिन्होंने सेशन लिया। झा मैम का थैंक यू, कंचन झा मैम का थैंक यू, नहीं तो सृष्टि झा भी है हमारे पास, यस। वी हैव शाह, वी हैव झा, वी हैव सो मेनी पीपल, है ना। ओके, तो उसने वो थ्योरी लाई कि बोले एक भी है, एंड ही गेव सो मेनी एग्जांपल। उसने पॉलिटिकल लीडर की बात की कि ये लिंग्विस्टिक लोग होते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। किसी की बात की, जैसे मान लो आइंस्टाइन है ना, टेस्ला है, ओके, ऐसे लोग, वो इनोवेशन है, इनोवेट करते हैं, ग्रेट बन जाते हैं, है ना। किसी में लीडरशिप क्वालिटीज होती है, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल आया सामने, जबरदस्त लीडर है ना, जबरदस्त लीडर, तो उनकी बात आई। लता मंगेशकर जी की बात आई, लता मंगेशकर वंडरफुल है ना। अब लता मंगेशकर जी के बाकी कुछ पता है, हैव यू एवर हर्ड कि वो कबड्डी भी अच्छा खेलती थी, क्रिकेट भी खेलती थी, खाना भी अच्छा बनाती थी, ऐसा कुछ सुना आपने? मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है, हो भी सकता है ना। जैसे मान लो क्या नाम है, एक साउथ अफ्रीका का एक क्रिकेटर है, वो 6 अलग अलग गेम में नेशनल खेल चुका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 6 गेम में नेशनल खेलना बड़ी बात है। एक बार फीडबैक दीजिए, आवाज क्लियर है मेरी, दोनों हाथ दिखा दीजिए अगर है तो, थैंक यू। तो अगर किसी को क्लियर नहीं आ रही तो कृपया तुरंत एग्जिट करें और वापस एंटर करें, मेरे पास बैकअप कनेक्शन भी है। तो उन्होंने बताया कि ये अलग अलग वजहों से सक्सेसफुल होते हैं। तो मैंने पिछली बार एक रिकमेंडेशन किया था, दैट रिकमेंडेशन वाज ऑफ एमआई टेस्ट। ध्यान से सुनना, अगर आपको आपका स्वयं का टाइम, मनी और एफर्ट बचाना है तो आपके बच्चे की एमआई टेस्ट कर लो। और ये टेस्ट इतनी अच्छी है कि ये देश में कभी भी इसका प्रमोशन होगा नहीं, क्योंकि अगर आपका टाइम, एफर्ट एंड मनी बचता है तो बिजनेसेस बहुत सारे कम हो जाएंगे, हाँ या ना? ओके, अभी आ रही है आवाज? ओके, तो मैंने कहा कि पिछले बार के सेशन में मैंने रिकमेंड किया था कि आपके बच्चे की एमआई टेस्ट करवा लो, ओके, ताकि आपका टाइम, एफर्ट और मनी बच जाएगा, ओके, अन्यथा प्रॉब्लम है। और इस टेस्ट के बारे में कोई भी आदमी अच्छा नहीं बात करेगा, क्यों नहीं करेगा, अगर आपका समय बचता है। हाँ, एबी डिविलियर्स, थैंक यू, वो एबी डिविलियर्स है, 6 नेशनल खेल चुका। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपका समय बचता है, आपकी मेहनत बचती है, आपके बच्चे की मेहनत बचती है, आपका पैसा बचता है, तो कई सारे लोगों का लॉस हो जाएगा ना, आया ना? यस और यस। तो ये टेस्ट को ना
सारी दुनिया अपोज करेगी, ध्यान से सुनना, ये टेस्ट को सारी दुनिया अपोज करेगी, बट मैं रेफरेंस दे रहा हूँ हमारे संस्कृति के। ओके, मैं रेफरेंस देता हूँ रामचरितमानस का, मैं रेफरेंस देता हूँ भगवद गीता का। ओके, ये हमारा है। ओके, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर हो चुका है। 3 साल के ऊपर की किसी की बच्चे, किसी भी बच्चे की टेस्ट कर सकते हो, कहीं पे भी कर लो। अगर नहीं मिल रहा अच्छा काउंसलर तो मुझे मैसेज कर देना, मैसेज करना, कृपया फोन ना करें, मैं फोन उठाता नहीं। ओके, और कृपया मुझे ना पूछे, मैं कोई काउंसलिंग वाउंसलिंग भी नहीं करता। ओके, तो उसको बाजू में रखते हैं, बट मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, आपका समय, आपका पैसा, आपका एफर्ट बचेगा। एमआई टेस्ट, अब एमआई टेस्ट में करियर वेरियर बाकी वाले बेनिफिट पिछले वाले के मैसेज में थे, किसी के पास है मैसेज तो ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसको रिपीट नहीं करता। आज मैं बात करूंगा एमआई बेस्ड पेरेंटिंग क्या होती है। एमआई बेस्ड पेरेंटिंग क्या होती है, आपने सीखा पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग, आया ना? अब ध्यान से सुनिए, एमआई बेस्ड पेरेंटिंग क्या होती है, आगे